नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हर गुजरा हुआ पल इतिहास बन जाता है, परमानेंटली हमारे सोशल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। इतिहास को रिकॉल करना हमेशा आवश्यक है। हमने क्या गलती की, हमारे साथ क्या ज्यादती हुई, हम क्या सीख ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इतिहास का अध्ययन हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है। यह वर्ष निराशा के बीच समाप्ति पर है। एक ओर से कोविड-19 महामारी का प्रकोप और दूसरी ओर घृणा और अविश्वास का पैंडेमिक। वक्त नहीं लगता लोगों को लेबल चिपकाने में। पहले अर्बन नक्सल कहा जाता था उनको, जो सत्ता पक्ष की राजनीति से जरा सा भी मतभेद रखते हों। अब पता नहीं कब कौन शख्स आएंगे और एक नया लेबल का आविष्कार करेंगे, टर्बन नक्सल। मजाक मत समझिए, ऑलरेडी किसानों को, खासतौर से पंजाब के किसानों को तो खालिस्तानी कहा ही गया है। जब बीजेपी के एक मंत्री ने आरोप लगाया दैट द फार्मर्स एजिटेशन हैज बीन टेकन ओवर बाय द टुकड़े टुकड़े गैंग, द चीफ पर्पस वाज टू पोर्ट्रे द फार्मर्स स्ट्रगल एज अ कंटिन्यूम ऑफ लास्ट ईयर्स प्रोटेस्ट। दिसंबर का महीना ये सेकेंड सक्सेसिव ईयर के लिए मंथ ऑफ प्रोटेस्ट साबित हो रहा है। याद कीजिए पिछले दिसंबर, 2019 के दिसंबर का महीना। By the beginning of the month, the government had begun acting like one that was drunk on power. It was completely intoxicated by the parliamentary majority that the BJP enjoyed after the 2019 elections. सत्ता पक्ष को लगने लगा था कि वो चाहे जो भी इच्छा हो उनकी, उसको वो कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उनके कॉन्फिडेंस के कारण भी थे। मई 2019 के चुनाव के कुछ ही महीनों के अंदर मोदी सरकार ने अपने कई आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरे कर लिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन, आरटीआई एक्ट का डाइल्यूशन, ट्रिपल तलाक बिल का पासेज, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का एक कंटेंशियस जजमेंट, जिसने कहा कि वहां मस्जिद तो थी लेकिन बनेगा अब वहां मंदिर ही। सरकार को लगने लगा संघ परिवार के जो बाकी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी लगे हाथ एकम्प्लिश कर लिया जाए। 4 दिसंबर 2019 को यूनियन कैबिनेट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को क्लियर कर दिया ताकि वो पार्लियामेंट में पेश हो सके। तुरंत इस कानून के खिलाफ आंदोलन का सिलसिला शुरू हो गया, पहले असम में और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में तेजी से ये आंदोलन फैल गई। देखते ही देखते नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में भी इस प्रपोजल का भयानक विरोध होने लगा। तब भी सरकार ने वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया। 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को टेबल करके मूव कर दिया। अपने भाषण में अमित शाह ने क्लियरली CAA को NRC से लिंक किया। This showed scant regard for the protests in Assam. It had a background of massive anger over a faulty NRC that had left
thousands of people in the state as homeless or stateless. 10th December 2019 ko CAB, यानी कि Citizenship Amendment Bill, लोकसभा में पास हो गया. उसके अगले दिन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया. पैसेज का प्रोसेस बहुत विवादास्पद था. स्पष्ट था बिल को सिलेक्ट पार्लियामेंट्री कमिटी को रेफर करना बेहतर होता. बट द गवर्नमेंट वॉज हेल बेंट ऑन परस्यूइंग इट्स एजेंडा. उसके बाद सुपरसोनिक स्पीड से, जो सरकार में अमूमन नहीं होता है या दिखाई नहीं देती है इस तरह की चीज, राष्ट्रपति ने बिल पर अपने हस्ताक्षर उसके ठीक अगले दिन 12th of December 2019 को कर दिया. और उसके साथ ही CAA और NRC दो और ऐसे एब्रीविएशन बन गए जो किसी भी भारतीय भाषा के वोकैबुलरी के एसेंशियल्स बन गए. उस वक्त असम और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में स्थिति बिगड़ती जा रही थी. इट शुड नॉट हैव बीन अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द गवर्नमेंट दैट फ्रेंडली कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इजराइल एंड कैनेडा इशूड ट्रैवल वार्निंग्स फॉर देयर सिटीजंस विजिटिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इसके बावजूद सरकार ने सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की. कारण सिंपल था. एनआरसी और सीएए से बीजेपी को सामाजिक ध्रुवीकरण करने से इसका फायदा मिल रहा था. सीएए के टारगेट में मूलतः मुस्लिम्स थे, परंतु इस डिस्क्रिमिनेटरी कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं थे मैदान में, बहुत दूसरे लोग बाकी धर्मों के भी थे जो इस आंदोलन में शामिल होने लगे. उनके विरोध का कारण बहुत ही सिंपल था. वे नागरिकता को धार्मिक पहचान या रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़ना नहीं चाहते थे. 13th दिसंबर 2019 को कई गैर बीजेपी राज्यों ने घोषणा की कि वे CAA के प्रावधानों को लागू नहीं करेंगे. असम में मीनवाइल आंदोलन ने तेजी पकड़ ली थी. पुलिस फायरिंग में एक नागरिक की मृत्यु भी हो चुकी थी. दिसंबर 15 को द सिचुएशन टुक अ वायलेंट टर्न when the police forcibly entered the campus of Jamia Millia Islamia and detained the students. Police ne nihatte chhatron ko lathi charge kiya, un par aansu gas choda. Shantipurn tarike se pradarshan karne wale chhatron ko haphazardly unko arrest kiya. Police violence se bachne ke liye chhatron ne ek dusre ki madad करने की कोशिश की. उन्होंने अपने को खुद में जोखिम में डाला. मेनी ऑफ दीज एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी वर कैप्चर्ड बाय अ वेरी अलर्ट मीडिया, सम ऑफ देम विच वेंट ऑन टू बिकम आइकॉनिक इमेजेस ऑफ द एंटी सीएए एजिटेशन. जो छात्र लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उन्हें बाहर निकाला गया. उन्हें हाथ उठाने के लिए कहा गया था जैसे वे आर्म्ड ऑफेंडर्स थे जिन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया हो. सबसे बुरा यह था कि छात्रों पर हुए क्रूर हमले में पुस्तकालय का रीडिंग रूम को भी नुकसान पहुंचा था. सही कहा जाता है, फिक्सेटेड आइडियाज रखने वाले लोगों को ज्ञान की खोज और शोध से क्या लेना देना. जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश,
असम जैसे स्टेट्स और दिल्ली के नागरिकों ने जलूस निकाले इन सपोर्ट ऑफ द जामिया मिलिया स्टूडेंट्स। एक तरफ तो CAA के खिलाफ आवाज उठ रही थी, वहीं दूसरे तरफ पुलिस बिहेवियर और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स पर जनता के बीच रिवल्शन जल्दी से फैल रहा था। ओवर 140 पिटीशंस वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय डिफरेंट पार्टीज अक्रॉस द नेशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ CAA। Many state governments, as I told you, had already declared that they shall not implement the provisions of the controversial act. International organizations like the United Nations Human Rights Body were critical of the new law. Unke hisab se kanoon fundamentally discriminatory tha. Iske bawajood Supreme Court ne Sabrimala के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज करना बेहतर या उचित समझा। दीज 140 पिटीशंस स्टिल रिमेन पेंडिंग। आखिरी हियरिंग 3 मार्च 2020 को हुई थी। पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट के रोल को अगर हम विभिन्न हाई कोर्ट से कंपेयर करें तो छवि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। The high courts were over the past year more proactive when it came to defending basic human and fundamental rights of the protesters, safeguarding the rights to free speech and the right to life and personal liberty. Is baat ke details mein main abhi nahi jata hoon. Let me come back to the anti-CAA agitations of last year, which posed the first major political challenge for the Modi government after it got re-elected in May last year. इस बात में कोई शक नहीं है कि शाहीन बाग का नाम anti-CAA agitation के साथ synonymous हो गया है। The cold winter of 2019 and the early months of 2020 saw the protests getting a new meaning as hundreds huddled peacefully. They gave new meaning to dissent and spawned the culture of protest after a long time. It drew people from all across the country just to see what was happening. It seemed that this was a revolution of a certain kind. Purane geet, नए मायने, नई पंक्तियां। कोई कहता मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, कोई और बोलता हम देखेंगे। उधर से एक और आवाज उठती थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। देखते ही देखते शाहीन बाग विरोध की राजनीति का तीर्थ स्थल बन गया। शायद ही कोई पॉलिटिकली जागरूक नागरिक हो जो दिल्ली में रहता हो या फिर आया हो, जो शाहीन बाग कम से कम एक बार नहीं गया हो, वहां जाकर जो प्रोटेस्टर्स में से जो दादियां थे उनके साथ सुर में सुर मिलाकर नारे जिसने ना लगाए। The hallmark of Shaheen Bagh struggle was women's presence. Mashhoor public intellectual aur itihaskar Romila Thapar ne ek interview mein, jisko Newsclick ne bhi chhapa hai, bahut mahatvapurna baat kahi hai. Unhone apne latest kitab Voices of Dissent and Essay ka conclusion mein Shaheen Bagh visit se kiya hai. उस पर उन्हें पूछा गया, उन्होंने क्यों कहा कि उस आंदोलन साइट रिवाइव द सेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। उनका जवाब बहुत मार्मिक था। आई वॉज नॉट सेइंग दैट देयर वॉज अ रिपीट बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डिस्टेंस इन टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट, बट देयर वॉज अ
certain ambience that had a familiar feel to it that evoked an earlier age. The anti-colonial mass movement had reached out to women as well, and the 1940s saw their greater participation. Aage aur unhone kaha, these features were also reflected in Shaheen Bagh movement. For a start, it was entirely non-violent in character, with the women understanding fully the intention of the movement. They were aware of their constitutional rights as citizens of India, hence the fear of losing the citizenship. Reading repeatedly from the preamble to the constitution was symbolic of an emphasis on citizenship of a secular kind. Romila Thapar ne aage add kiya tha, the call to women to come out and participate in a political action was a direct confrontation with patriarchy. For patriarchy requires women to be sequestered in the home and not take part in public life. Anti-CAA Andolan sirf Delhi tak seemit nahi thi. Shayad hi koi Bharat mein aisa state ya union territory raha ho jahan ye Andolan ne puri tarah se logon ko nahi involve kiya tha. Is Andolan mein kuch to dam tha. After all, it is due to this that the BJP and the government constantly demonizes the movement. नोटिस तो उनका लिया जाता है जिनसे कोई खतरा महसूस होता है. CAA के पैसेज के फर्स्ट एनिवर्सरी पर असम में आंदोलन रीस्टार्ट हो गया है. इस फैसले से पिछले साल के स्ट्रगल के पॉलिटिकल करेक्टनेस का अंदाजा मिलता है. ये रीस्टार्ट पैंडेमिक COVID-19 के माहौल में किया गया है. चाहे कितना भी दमन समकालीन हिंदुस्तान में हो, भविष्य में भी प्रतिरोध का इतिहास लिखा जाएगा. केवल एक वर्ष में एंटी CAA एजिटेशन हमारे देश के पीपल स्ट्रगल का अभिन्न अंग बन गया है. इसका अध्ययन हम सबको करना होगा, हम सबको इससे सीख लेना होगा. नमस्कार. We'll be right back.